ओके तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी डिस्कस अबाउट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक है, टॉपिक इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, देखिए ये जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है ये मेजर टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और इसमें कई सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। जैसे एक है साइंटिफिक नोटेशन, एक है सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक करके है, एक राउंडिंग ऑफ करके हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें छोटा छोटा टॉपिक फिर बहुत बनता है। देखिए जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसमें क्या क्या बोले, एक हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन, एक टॉपिक सब टॉपिक होगा जिसको हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे लार्ज से लार्ज क्वांटिटी और स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी को सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। वैसे ही एक टॉपिक हम लोग का है फिर फर्दर सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर करके, सिग्निफिकेंट फिगर जो है कि। फिर एक इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ, कैसे राउंडिंग ऑफ जो है, कैसे नंबर को राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो ये भी मेजरमेंट में ही साइंटिफिक नोटेशन में ही जो है कि बात करना है। जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो टर्म आता है, एक आता है प्रिसीजन, क्या होता है, एक होता है प्रिसीजन, एंड एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ये भी यहाँ हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है ना, एक्यूरेसी जो है कि, और फिर जो है कि नेक्स्ट जो है एक डायमेंशनल एनालिसिस, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज कर सकते हैं, केजी को मीटर में या डे को मिनट में, सेकंड में या सेकंड को मिनट में, डे में, इसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस जो है एनालिसिस। तो इसमें चार सब टॉपिक करके अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में हम लोग को पढ़ना है। अब ये जो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है, एक्चुअली जो हम लोग मेजर करते हैं, जब हम लोग केमिस्ट्री या कोई भी साइंस का पार्ट पढ़ते हैं, जनरली केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, देखिए मेजरमेंट करते हैं तो किस तरह का मेजरमेंट होता है, केमिस्ट्री में मेजरमेंट करते हैं तो कुछ वैल्यू आता है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग को मिलता है, उसका मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और कुछ थ्योरेटिकल वैल्यू बाय फॉर्मूला जो है, कुछ थ्योरेटिकल वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, इसको मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग डिफरेंट जो है कि वे यूज करते हैं, राउंडिंग ऑफ, साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन, ये सबको यूज करके जो नंबर है उसको मीनिंगफुल वे में, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, उसको एक्सप्रेस करते हैं, मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस करते हैं, जो हम लोग का मेजरमेंट होता है। तो इसमें पहला है साइंटिफिक नोटेशन जो है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि किसी भी नंबर को, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी नंबर को, देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन, तो इसमें हम लोग किसी भी नंबर को, चाहे लार्ज हो या स्मॉल हो, उसको हम लोग 10 के पावर में एक्सप्रेस करते हैं, किसके पावर में एक्सप्रेस करते हैं, 10 के पावर में, जब एक्सप्रेस करते हैं 10 के पावर में, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि n इंटू 10 टू द पावर x के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। ये जो n का जो वैल्यू होगा ना, ये 1 से 10 के बीच में होगा, किसमें होगा, इन बिटवीन 1 to 10 के बीच में होना चाहिए n का वैल्यू, और x कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक यस सर ओके ओके
चलिए नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक नोटेशन का हम ये कह रहे थे कि किसी भी संख्या को किसमें एक्सप्रेस करना है, 10 के पावर में। मान लीजिए 6 है, इसी को 10 के पावर में लिखना है, या फिर जो है कि 700 है इसको 10 के पावर में लिख सकते हैं, या 786 है इसको 10 के पावर में लिख सकते हैं, या फिर वेरी लार्ज क्वांटिटी। नहीं, मूल नाम अगर सुने होंगे, मूल जो है 1 मूल जो होता है, क्वांटिटी कितना होता है, तो 6 0 2 और 21 0 दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इतना बड़ा क्वांटिटी जो है ये 1 मोल है। 1 मोल लिखेंगे अगर जो है कि एक्सपेंशन में, तो इतना स्पेस भी लेगा, इतना टाइम भी लेगा, और फिर काउंटिंग में भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए 6 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या बोले कि एक डिजिट होगा एन, एन इंटू 10 टू द पावर x के रूप में लिखते हैं। एन 10 से कम होना चाहिए, तो 6 तो 10 से कम है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6 × 10 का पावर 0 ले सकते हैं। इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया, क्योंकि 10 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 6 × 1 जो है कि वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखते समय वैल्यू जो है चेंज नहीं होना चाहिए, 10 टू द पावर 0 1 ही होता है। तो 6 को अगर कहें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, तो 6 × 10 टू द पावर 0 कर सकते हैं। 700 है तो देखिए 7 जो है, तो इसको n जो है क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। इसमें जो है कि 7 × 10 टू द पावर 2 7 के जो है कि साइड कितने 0 है, 2 0 है ना, तो इसको जो है 10 टू द पावर 2 लिख लेंगे, 10 टू द पावर 2 786 है, या इसको ऐसे कहते हैं कि 786 जैसे कि है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 786 है। और इसमें डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद होना चाहिए, किसके बाद होना चाहिए, 7 के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो 7 के बाद डेसिमल लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड भी करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो सेम डिजिट से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7.86 हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन के कारण ये 10 टू द पावर 2 आया। ऐसे भी समझ सकते हैं, या ऐसे कहें कि एक डिजिट के बाद डेसिमल देना है तो 7 पॉइंट ले लिए, जितना नंबर है उतना 10 टू द पावर जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा मोल है, अब इतना लार्ज क्वांटिटी को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो एक डिजिट के बाद तो 6.02 और इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए कितना सिंपल वे में इस डी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो नंबर 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। इसको एवोगाड्रो नंबर, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं इस नंबर को, एवोगाड्रो नंबर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये लार्ज क्वांटिटी हो या स्मॉल क्वांटिटी हो, हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो है 0.0786 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो क्या बोले, एक डिजिट के बाद डेसिमल आना है, यानी कि 7 के बाद जो है कि डेसिमल 7.86। लेकिन 7.86 जो है कि एक्सप्रेस करने के लिए देखिए डेसिमल के बाद जो है कि कितना क्वांटिटी है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 जो है कि आपका -4 नहीं, एक मिनट, जो है कि हमको यहाँ डेसिमल कहाँ, यहाँ पर है, और इससे डेसिमल को क्या लाना है, 2 पॉइंट शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है, कितना पॉइंट शिफ्ट करना है, 7.86 × 10 टू द पावर -2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग डिजिट नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 786, और डिनोमिनेटर में क्या जाता है 1, और कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है ना, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। अब देखिए डेसिमल हमारा 7 के बाद आना है, तो इसको जो है 100 से, ऐसे भी कर सकते हैं 100 से जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा कितना आ जाएगा, 7.86 आ जाएगा, और ये 20 से 20 कट जाएगा तो ये 10 टू द पावर, जैसे आप समझ सकते हैं डेसिमल को जो है कि 2 पॉइंट लेफ्ट
टू डिजिट जो है कि राइट, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। टू डिजिट राइट अगर शिफ्ट करना है, डेसिमल को टू डिजिट अगर राइट शिफ्ट करना है तो ये 10^-2 आ जाएगा। डेसिमल को टू डिजिट राइट शिफ्ट करना है तो ये 10^-2 आ जाएगा। या इसको एक्सटेंड करके इस तरह से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो क्लियर है, लार्ज क्वांटिटी हो या स्मॉल क्वांटिटी हो, हम लोग साइंटिफिक या सिंपल नंबर हो उसको हम लोग 10^ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसको भी हम लोग 10^ में कर सकते हैं। उसके कुछ बेसिक रूल भी है, नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं। चलिए हम ये कह रहे थे कि मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन करना है साइंटिफिक नोटेशन में, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है कि मल्टीप्ली मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन करना है या डिवीजन, दोनों का एक ही रूल होता है, या डिवीजन जो है कि करना है, तो इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन के रूप में, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करना है, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। लास्ट 5 मिनट्स हम लोग का है, ठीक है ना। तो इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स जो है कि क्या है कि देखिए अगर दो डिजिट है उसका बेस सेम हो, ए का पावर जो है कि एम है और इनकी जो है ए का पावर जो है एन है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बेस सेम है ना, तो ए का पावर एम एम प्लस एन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2^3 है, 2^4 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 बेस है, कॉमन है, सेम है, 2^4 = 7। और क्या है जाए कि दूसरा जो है कि रूल इसमें ये आ जाता है, कुछ रूल की हम लोग बात कर रहे थे कि अगर बेस जो है कि डिफरेंट है, मान लीजिए ए है और जो है कि ए का पावर जो है कि एम है और इनटू बी का पावर भी जो है कि एम है, तो फिर इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, ए ए लेंगे, यानी 2^3 जो है कि 3 × 3^3 है ना, तो इसको 2 × 3 और इसका पावर क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 × 3 = 6 ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया। और सेम केस डिवीजन के लिए ही हो जाता है, डिवीजन में फिर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए का पावर जो है एम है डिवाइडेड बाय जो है ए का पावर एन है, तो ये ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं ए का पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं, एम माइनस एन, हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 10^5 कि 5 है और डिवाइडेड बाई 10^2 है, तो इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, 10^5 - 2 और ये कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए कि फोर्थ केस कैसा हो सकता है कि ए का पावर जो है कि एम है और फिर नीचे क्या है बी का पावर एम है, तो ए बाई बी का पावर क्या हो जाएगा, सेम जो है कि पावर है, तो ए बाई बी पावर जो है कि एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में जो है कि कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेशन के लिए ये जो है कि सिंपल जो है कि रूल ध्यान रखना है। लेकिन देखिए जब एडिशन करना होता है ना, एडिशन, तो उस समय जो है कि थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा जो है कि टीजिंग होता है उसमें है, डायरेक्ट जो है कहने का मतलब, जैसे 2 × 10^3 है प्लस जो है कि 2 × 10^2 है, ठीक है ना, 10^2 है, तो इसको एड करना है, इसमें ये वाला रूल यूज नहीं होता, बात समझाए ना, ये वाला रूल यूज नहीं होता। इसमें क्या करना होता है ट्रिकी वे में कि पावर को सेम कर देंगे, पावर को क्या करते हैं, सेम करते हैं, और तब आसानी से एड करते हैं। इसको डायरेक्ट जो है नहीं कुछ कर सकता, ऐसा नहीं कि 3 + 2, ये एडिशन है, ये क्या हो गया हमारा एडिशन है, तो ऐसा नहीं 3 + 2 = 5 ऐसे नहीं ले सकते हैं। इसमें ट्रिक क्या होता है कि पावर को पहले सेम करना होता है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है,
तो इसको भी टू करेंगे, तो टू करने के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 × 10^2 लिख सकते हैं, और फिर इसको कैसे लिखते हैं, 2 × 10^2। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं, जो पावर सेम है तो आप कॉमन ले सकते हैं। अब इसको 20 + 2 और पावर दोनों का सेम है, 10^2। तो ऐसे एडिशन को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो सिंपल जो रूल है बेसिक कैलकुलेशन में, ये इस तरह का रूल जो है आप लोग को मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। तो इसको सावधानी रखना है, एडिशन जब करेंगे उस टाइम जो है पहले पावर को सेम करके आपको सेम करेंगे, माइक सब लोग म्यूट करेंगे और तब एड करेंगे, या जब मल्टीप्लीकेशन है या डिविजन है उस समय पावर को कैसे एड करते हैं। तो टाइम भी लगभग हो गया, आज का सेशन हम लोग का यहीं तक है, ठीक है ना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।